स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कंट्रोल चार्ट के लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 6 में सी चार्ट। सी चार्ट भी कंट्रोल चार्ट फाइंड करने का एक टाइप होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए बात करते हैं सी चार्ट क्या होता है। सी बार, सी बार को हम कंट्रोल लाइन बोलते हैं, इसे सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी बार का फार्मूला होता है सिग्मा सी अपॉन एन, जहां पे सिग्मा सी क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, एंड एन है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। देखो स्टूडेंट सी चार्ट में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकालते हैं कि एक प्रोडक्ट में कितने डिफेक्ट्स हैं। और एन और एन पी चार्ट में हम डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव निकालते थे, कितने आइटम डिफेक्टिव हैं, इसमें हर आइटम में कितने डिफेक्ट्स हैं, एक आइटम में कितने डिफेक्ट्स हैं, कितनी कमियां हैं, उस चीज़ को इसमें काउंट करते हैं। तो कंट्रोल लाइन का फार्मूला होता है सी बार, और सी बार का फार्मूला आप जानते हैं सिग्मा सी अपॉन एन, जहाँ सिग्मा सी टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होता है और एन होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। अपर कंट्रोल लाइन का फार्मूला होता है सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार, एंड लोअर कंट्रोल लिमिट का फार्मूला लाइन का फार्मूला होता है सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी बार, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सिंपल है ये। आइए क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। इसमें है कंस्ट्रक्ट सी चार्ट फॉर गिवन डेटा। डेटा दिया गया है सैंपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिया गया है, और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दिया गया है 12, 20, 16, 15, 8, 14, 13, 13, 15, 11, 10, 10, 18, 7, 10। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसमें सी बार निकालना है कंट्रोल लिमिट। सी बार का फार्मूला आपने अभी बताया था सिग्मा, अभी हमने बताया था सिग्मा एन सी अपॉन एन होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा सी तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को ऐड कर लेंगे, मतलब 12 प्लस 20 प्लस 16 प्स 5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 10, ऐड करेंगे 192 आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है 15 डिवाइड बाई 15 12.8 आ गया। तो कंट्रोल लाइन हमारा इक्वल टू सी बार होता है, और सी बार की वैल्यू 12.8 आ गया। अपर कंट्रोल लाइन निकालेंगे, अपर कंट्रोल लाइन का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार, तो 12.8 प्लस 3 अंडर रूट 12.8, 12.8 का अंडर रूट निकालेंगे जो आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.73 हो जाएगा। 10.73 तो स्टूडेंट 10.73 में हम 12.8 को ऐड करेंगे, 23.53 हो जाएगा। ये हमारा अपर कंट्रोल लाइन हो गया। लोअर कंट्रोल लाइन फाइंड करेंगे, लोअर कंट्रोल लाइन का फॉर्मूला होता है सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी बार, तो सी बार की वैल्यू है 12.8 और माइनस, देखो 3 अंडर रूट सी बार की वैल्यू आया था 10.73, तो 10.73 माइनस कर देंगे 2.07 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास यहाँ पे हमें ये हमें मिल गया कंट्रोल लाइन मिल गया, अपर कंट्रोल लाइन मिल गया, लोअर कंट्रोल लाइन मिल गया। अब हम ग्राफ को ड्रा करेंगे और देखेंगे कि हमारा सैंपल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये हम ग्राफ को ड्रा करने के बाद ही डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ में स्टूडेंट क्या होता है कि सबसे पहले हम दो ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे हमेशा जो है नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स दिए गए हैं 15, तो हम इक्वल डिस्टेंस पे ड्रा कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एंड वाई एक्सिस पे हमेशा नंबर ऑफ डिफेक्ट ड्रा करेंगे, तो 2 का जो है डिफरेंस लेकर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 हमने ड्रा कर दिया। अब हम सबसे पहले कंट्रोल लिमिट को ड्रा करेंगे स्टूडेंट। कंट्रोल लिमिट की वैल्यू दिया गया है 12 पॉइंट समथिंग दिया गया है स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले कंट्रोल लिमिट को ड्रा करेंगे। अब देखेंगे 12.8 कहाँ आता है, हमारा 12.8 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हमें देखना है, उसके बेस पे हमें लाइन को ड्रा करना है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम कंट्रोल चार्ट 12.8 है, 12.8 12 और 14 के बीच में आएगा, ड्रा कर दिया कंट्रोल लिमिट को, 12.8 हो गया। आप अपर कंट्रोल लिमिट को ड्रा करेंगे, अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू 23.58 है, ये 22 और 24 के मिड में आएगा, तो इसे ड्रा कर दिया
अपर कंट्रोल लाइन हो गया। अब लोअर कंट्रोल लाइन 2.07 दिया गया है, 2/4, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा आगे करके हम ड्रा करेंगे लाइन, हो जाएगा लोअर कंट्रोल लाइन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे, अब हर सैंपल का हम डिफेक्ट्स को यहाँ डॉट करेंगे। पहले सैंपल का डिफेक्ट 12 था, तो पहले सैंपल का डिफेक्ट 12 पे डॉट कर दिया। दूसरे का 20 था, दूसरे का 20 पे डॉट कर दिया। तीसरे का 16 था, 16 पे डॉट कर दिया। चौथे का 15 था, 15 पे डॉट कर दिया। पाँचवें का 8 था, 8 पे डॉट कर दिया। छठे का 14 था, 14 पे डॉट कर दिया। सेवन्थ का 13 था, 13 पे डॉट करा। 8 का 13 है, 13 पे डॉट कर दिया। और 9 का 15 है, 15 पे डॉट करा। 10 का 11 है, तो 11 पे डॉट करा। और 11 का 10 है, 10 पे डॉट करा। 12 का 10 है, 10 पे डॉट करा। 13 का 18 था, 18 पे डॉट करा। 14 का 7 है, 7 पे डॉट करा। 15 का 10 है, 10 पे डॉट कर दिया। अब सारे हमने डिफेक्ट्स को डॉट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे मीट कराएंगे पेंसिल से। फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड, फिर थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फिफ्थ से, उसके बाद सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ट्वेल्थ, ऐसे हर डॉट को क्या करेंगे हम पेंसिल से ड्रा कर दिया। अब हमारे सामने मिल गया आपको सी चार्ट। और सी चार्ट में देखिए सारे जो डॉट हैं हमारा जो है वो अंडर कंट्रोल लिमिट में है, मतलब अप लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर ही सारे हमारा ग्राफ ड्रा हुआ है। सारे डॉट हमारे इसके अंडर कंट्रोल हैं, इसका मतलब कि सारे सैंपल्स क्या हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हियर ऑल सैंपल्स बिटवीन कंट्रोल लिमिट, क्योंकि सारे सैंपल्स क्या हैं हमारे कंट्रोल लिमिट के अंदर हैं। सो प्रोडक्ट इज अंडर कंट्रोल एंड ऑल सैंपल्स विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है स्टूडेंट, और तो हम होमवर्क की बात करेंगे, तो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए स्टूडेंट। इन दोनों क्वेश्चन के शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को कमेंट करिएगा। तो स्टूडेंट आज हमने कंट्रोल चार्ट के लास्ट लेक्चर सी चार्ट को डिस्कस किया, और आज ये सीरीज कंप्लीट होता है। अगर इसमें और भी क्वेश्चन आप कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। आपको ये सीरीज कैसा लगा और हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।